सपोज करो आपके पास एक कोई भी सर्कुलर लूप है, करंट एंटर करता है यहाँ से, कुछ करंट का पार्ट ऊपर आर्क में जाता है, कुछ नीचे से जाता है, और अल्टीमेटली करंट यहाँ से बाहर आ जाता है, रेडियस इसका आर है। ये जो नीचे का छोटा आर्क है ये सेंटर पे एंगल क्या बनाता है, थीटा वन, और जो बड़ा आर्क है वो कितना एंगल बनाता है, थीटा टू। आपको बताना है कि ये दो आर्क जिसमें करंट नीचे से भी ऊपर से भी सेंटर पे बी कितना लगाएंगे, ये क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक? तो सेंटर पे बी निकालें, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इस आर्क ने सपोज ये एंगल कितना बनाया, थीटा वन, बड़े वाले आर्क ने यहाँ पर एंगल क्या बनाया, थीटा टू। तो बी का फॉर्मूला थीटा वन की वजह से क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा वन आई वन बाय आर। ये आपकी शीट में नहीं है, मैं आपको प्रिंट आउट नेक्स्ट टाइम दे दूंगा इसका। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा वन आई वन बाय आर, और ऊपर वाला आर्क बी क्या लगा रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा टू आई टू बाय आर, क्योंकि करंट नीचे आई वन है ऊपर आई टू है। ये स्टेप क्लियर है? अब इसमें जो करंट है नीचे वाली आर्क में ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो बी कैसे होगा, आउटसाइड होगा। ऊपर वाली आर्क में ऐसे जा रहा है तो बी कैसे होगा, इनसाइड होगा। तो ऊपर और नीचे वाली आर्क में बी की वैल्यू इनसाइड एंड आउटसाइड है। तो अगर मैं आपको B1 B2 बता दूं, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप माइनस करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले एक चीज़ और देखते हैं, इसके अंदर ये यहाँ ये वाली वायर और ये वाली वायर दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। ये दोनों के दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो ये वायर और ये वायर पैरेलल में है, पैरेलल में वी की वैल्यू क्या रहती है, सेम। पैरेलल में वी सेम रहता है, वी की वैल्यू क्या होगी इसमें, आई वन इंटू, मान लो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर वन, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर टू, तो क्या रूल लगेगा, आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू, वेयर कैपिटल आर वन कैपिटल आर टू इनकी रेजिस्टेंसेस है। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, आई वन आर वन आई टू आर टू, ठीक। अब एक चीज़ बताओ, इसमें ये जो आर्क है एल वन लेंथ की आर्क है, आपको इस सेक्टर में पता है एंगल इज आर्क बाय रेडियस आर, तो एंगल थीटा वन इज आर्क बाय रेडियस आर, तो L1 क्या हो गया, थीटा वन इंटू आर। उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस है नीचे वाली वायर की, रेजिस्टेंस R1 है, कैपिटल R1 है, कैपिटल R1 क्या होगा, रो L बाय A, तो लेंथ नीचे वाली आर की क्या है, L1, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A, तो L1 की वैल्यू कितनी है, थीटा वन इंटू आर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि R1 की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, थीटा वन के प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली R2 की वैल्यू में क्या आ जाएगा, थीटा टू, क्योंकि ऊपर वाली वायर का ना तो रो चेंज होगा, ना R चेंज होगा, ना A चेंज होगा। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, R1, यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, R2। तो मुझे पता लग रहा है कि जो R1 है वो थीटा वन के प्रोपोर्शनल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, और ऐसी R2 थीटा टू के प्रोपोर्शनल है। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे B1 थीटा वन के प्रोपोर्शनल था, थीटा वन R1 के प्रोपोर्शनल है। काम करते हैं, थीटा वन की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, रेजिस्टेंस R1। तो देखो, थीटा वन की जगह R1, और ऐसी B2 में थीटा टू की जगह R2। तो मेरे पास B1 B2 आ गया, B1 B2 में I1 R1 I2 R2 R है। अब लेकिन मुझे पता है कि दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, तो I1 R1 I2 R2 इन्हें इक्वेट करें, ऑब्वियसली फिर B1 और B2 की वैल्यू भी एग्जैक्टली क्या आ गई, सेम। और हमने डिसाइड कर लिया था कि एक भी इनसाइड है तो दूसरा भी आउटसाइड है, तो इनसाइड एंड आउटसाइड भी आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसिल, और नेट B की वैल्यू इसमें क्या जाएगी, जीरो। तो आज के बाद एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, हमने नहीं करना ये प्रूफ, स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि आपके पास अगर कोई लूप है, करंट कहीं से भी एंटर करता है लूप में, कुछ करंट ऊपर कुछ करंट नीचे जाता है, तो ऊपर और नीचे का भी हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करेगा ही करेगा, और नेट आंसर ऐसे केस में हमेशा जीरो आएगा ही आएगा। तो कल को अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो आप सीधा ही इसका आंसर क्या मार्क करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक, पहला रिजल्ट है। एक और क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक वायर दे रहा है, वो इनफाइनाइट वायर है, ये रही एक इनफाइनाइट वायर है, यहां से यहां आती है, ऐसे घूमती है, और फिर वायर इधर नहीं जाती, वायर बोर्ड के बाहर आपकी तरफ आ जाती है। तो ये जो वायर है एक्स एक्सिस आपकी तरफ है, तो ये वायर बोर्ड के बाहर ऐसे आ रही है। क्लियर है यहां तक? तो इसमें आपको C सेंटर पे B निकालना है। सबसे पहले ये वायर लें यहाँ से यहाँ तक, ये हमने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं, इनफाइनाइट वायर है, एक तरफ से तो एंगल क्या होगा 90, और एक तरफ से एंगल क्या होगा 0, तो साइन 0 प्लस साइन 90,
तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन 0 प्लस साइन 90। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट डायरेक्शन भी साथ देख लेते हैं। डायरेक्शन में थंब करंट के साथ, यहाँ पे बी कैसे आएगा? आउटसाइड। थंब करंट के साथ बी कैसे आएगा? आउटसाइड। तो आउटसाइड का मतलब कौन सा एक्सेस है? एक्स एक्सेस है। तो डायरेक्शन कहां पर है? आउटसाइड। तो आउटसाइड के पीछे एंड में क्या लगाएंगे? आई कैप। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर बी आउटसाइड है, या तो आउटसाइड लिख दें, या फिर अगर एक्स एक्सिस आउटसाइड है तो यहां पर क्या लिख देंगे? आई कैप। फिर आ जाता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, और सेमी सर्कल में भी करंट ऐसे जा रहा है तो बी कैसे आएगा? आउटसाइड। तो ये आउटसाइड का मतलब आई कैप। ये भी क्लियर है यहां तक? तीसरा, ये जो वायर तीसरी है वो कहाँ आ रही है? वो बाहर आ रही है। तो अगर ये वायर बाहर आ रही है कुछ ऐसे, तो इस सेंटर के साथ एक एंगल क्या? जीरो, और एक एंगल इन्फिनिटी की वजह से 90। तो फॉर्मूला तो क्लियर ही है, साइन जीरो प्लस साइन 90, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन, अगर कोई वायर बाहर आ रही है ऐसे, तो करंट थंब करंट के साथ, तो ये सी पॉइंट है। तो आप खुद सोचो एक मिनट के लिए कि अगर ये करंट बाहर आ रहा है ऐसे और मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाऊं तो मेरी फिंगर्स ऐसे गोल घूमेंगी, और सी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बी कहाँ आएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। ऐसे कर लो, करंट ऐसे है, वायर को जरा बाहर निकाल लेते हैं, करंट ऐसे है, पॉइंट ऊपर है, तो कहाँ पर आ रहा है? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ बी है, और लेफ्ट को क्या लिखेंगे? अगर राइट वाई है तो लेफ्ट क्या बनेगा आपका? माइनस जे, माइनस जे। तो इसलिए इसमें इनसाइड आउटसाइड नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट और राइट भी आ रहे हैं, तो जिस वजह से मैंने आई कैप और माइनस जे कैप लिख लिया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तीनों का वेक्टर सम, तीनों की वैल्यूज को पुट करें, कॉमन निकाल लें, आई कैप जे कैप, जो भी आंसर आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये दो क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट है उसमें